दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय रात के 9 बजने वाले हैं और समय ये प्राइम टाइम का है। और प्राइम टाइम में जिन खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे उनमें मुख्य हैं कि हरियाणा के बड़े कांग्रेस के नेता, राज्यसभा के सदस्य, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाया है, यानी कि हरियाणा की जो मनोहर सरकार है उस पर आरोप लगाया है कि सरकार युवाओं के साथ छल कर रही है, युवाओं की अनदेखी कर रही है। विस्तृत चर्चा करेंगे आपसे प्राइम टाइम में। इसके साथ साथ चर्चा करेंगे देश और प्रदेश की राजनीति की, चर्चा वो भी होगी कि आज भूकंप आया, तो इन सब खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे। इससे पहले बात करेंगे उन खबरों की जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। दिल्ली NCR में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिएक्टर पर जो स्केल पर मापी गई वो 4.5 थी। हालांकि जानमाल की कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों में खलबली जरूर रही। बिहार में जातिगत जनगणना के बाद आबादी के हिसाब से हक की मांग। नीतीश कुमार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दौरा। 34,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की दी सौगात। छत्तीसगढ़ की धरती से कांग्रेस पर प्रधानमंत्री का प्रहार। कहा, कांग्रेस से जनता त्रस्त, अब बदलाव की बारी है। महाराष्ट्र के नांदेड़ के जिला अस्पताल में 12 नवजात समेत 24 की मौत। शरद पवार ने राज्य सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश के हिस्से कर अलग राज्य बनाने की उठी मांग। जातिगत जनगणना पर हो रही है सियासत। तो चलिए अब चर्चा करते हैं उन खबरों पर जो प्राइम टाइम का हिस्सा है। तो सबसे पहले बात हरियाणा के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा की। कांग्रेस के बड़े नेता हैं दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की सरकार पर आरोप लगाया है कि हरियाणवी युवाओं के लिए 75% रोजगार आरक्षित करने का वादा करने वाली हरियाणा सरकार दूसरे राज्य के लोगों की, दूसरे राज्यों के युवाओं की भर्ती कर रही है। उन्होंने कहा है कि ये हरियाणा के युवाओं के साथ अन्याय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हरियाणा में योग्यता को दरकिनार कर नोटों के बंडल देने की क्षमता रखने वाले लोगों को नौकरी मिल रही है। बिना पर्ची और बिना खर्ची की सरकार पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अब पर्चा और खर्चा, यानी कि खर्च करो और पर्चे लीक आउट करवाओ, ये खेल चल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा झज्जर के एक गांव में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने प्रदेश की BJP JJP गठबंधन सरकार पर कई आरोप लगाए। कहा, रोजगार देने की बजाय बेरोजगारी दर के रिकॉर्ड बनाने का इस सरकार ने रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि HPSC यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की कमान ऐसे दागी लोगों को सौंपी गई है जिन पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं के गंभीर आरोप पहले से लगते रहे हैं। सरकार बड़े अधिकारियों को पार करने की बजाय छोटे अधिकारियों को पकड़कर उन पर जो जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, इससे मामले पर लीपापोती करती है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा न केवल प्रदेश की गठबंधन सरकार पर हमलावर रहे, बल्कि उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल को भी लगातार निशाने पर लिया। उनका कहना था कि जब हम प्रदेश में BJP JJP गठबंधन सरकार से लड़ रहे थे, तो किसी भी ऐसी पार्टी के साथ ना ही कांग्रेस और ना ही इंडिया गठबंधन के वो लोग थे, यानी कि जो चाहे आम आदमी पार्टी है और चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है। दीपेंद्र हुड्डा ने ये भी कहा कि ऐसे लोगों को, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल को, इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी BJP के खेमे में जा सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने साफ तौर पर यह भी कहा कि वे इंडियन नेशनल लोकदल के साथ नहीं जाएंगे। आप खुद सुनिए दीपेंद्र हुड्डा क्या क्या बोले। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, हम प्रदेश में BJP JJP की सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी भी ऐसे दल से हम गठबंधन नहीं करना चाहेंगे जो राज्यसभा चुनाव में BJP की वोट दे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में BJP की वोट दे, BJP को 2014 में जो समर्थन दे चुका हो और हर 2019 में समर्थन की पेशकश कर चुका हो, ये इनेलो पार्टी का इतिहास है। तो ऐसी पार्टी जिस पर विश्वास ही नहीं किया जाए, अगर एक आधी सीट इनको दे भी दी जाए तो वो जो है ऐसी स्थिति बने कि भाई वो कल को BJP को एक सीट की जरूरत हो तो सबसे पहले जाए। तो अब भले ही प्रदेश और देश की दो बड़ी पार्टियां किसी से गठबंधन तोड़ने की बात कर रही हों या किसी से जोड़ने की बात कर रही हों, लेकिन प्रदेश में कोई ऐसा भी है कि जो इन दोनों ही पार्टियों से रिश्ता जोड़ना चाहता है। हम बात कर रहे हैं देश के जाने माने उद्योगपति और पूर्व सांसद नवीन जिंदल की। उनकी लोकसभा चुनाव में सियासत में वापसी की खबरें जोरों पर हैं। नवीन जिंदल फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी में हैं, कांग्रेस से सांसद भी रहे हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता ये चाहते हैं कि नवीन जिंदल उनकी पार्टी से चुनाव लड़ें। हालांकि नवीन जिंदल की तरफ से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रदेश और देश के रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले
नवीन जिंदल विश्व के प्रसिद्ध उद्योगपति और हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री रहे ओम प्रकाश जिंदल और हरियाणा सरकार की पूर्व मंत्री रही सावित्री जिंदल यानी कि जिंदल दंपति के पुत्र हैं। नवीन जिंदल की सियासी पारी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से शुरू हुई थी 2005 में। 2005 में भी सांसद बने थे और 2009 में भी सांसद बने थे कांग्रेस के टिकट पर। उन्होंने समाज सेवा के कई काम भी किए। तिरंगा जो आज जगह जगह आपको दिख सकता है वो खासकर नवीन जिंदल की देन थी। तो वर्ष 2014 में मोदी लहर थी। मोदी लहर में राजकुमार सैनी को टिकट मिला था बीजेपी का और राजकुमार सैनी से नवीन जिंदल हार गए थे। 2019 के चुनाव में वो सक्रिय राजनीति से दूर रहे। अब उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि पूर्व सांसद नवीन जिंदल इस लोकसभा चुनाव में अपनी फिर से एंट्री कर सकते हैं। नवीन जिंदल लोकप्रिय हैं, सभी बुजुर्गों की और महिलाओं की, खासकर उनको जो सेवा करने की बात कही जाती है। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश की सियासत में एक नया मोड़ जरूर आएगा, यानी कि नवीन जिंदल किसी भी पार्टी से लड़ें, चाहे वो कांग्रेस से लड़ें या बीजेपी से लड़ें, तो प्रदेश की सियासत के अंदर एक नई पारी जरूर शुरू होगी। तो ये तो बात थी हरियाणा की, अब बात करते हैं देश की सियासत की। बिहार चुनाव की चल रही है, ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से जातीय समीकरण, जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए। इसके साथ ही बिहार के अंदर आज़ादी के बाद ये आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया बिहार। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 62% है, जबकि अनारक्षित वर्ग की कुल आबादी लगभग 15.5% है। अब इस पूरे ही मुद्दे पर सियासत चल रही है और सियासत बहुत जोर से है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर कहा कि आर्थिक स्थिति को विकास का पैमाना बनाया जाएगा। ये जातिगत जनगणना उन पर कहना है कि न सिर्फ जाति के बारे में इससे पता चलेगा बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति का भी सरकार को जानकारी मिल जाएगी। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि देश में भी जातिगत आंकड़े जारी करना जरूरी है ताकि जितनी जिसकी आमदनी हो और जितनी जिसकी आबादी हो उस हिसाब से हक मिले। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इन लोगों ने हमेशा गरीबों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। मोदी कहते हैं कि ये लोग पहले भी जात पात के नाम पर लोगों को बांटते थे और आज भी यही पाप कर रहे हैं, यानी कि लोगों को बांटने का। और अब इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश में भी सियासत जारी है। उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष की भी पार्टियां भी, यानी कि जो भाजपा की सहयोगी पार्टियां हैं, वे भी जातीय जनगणना की मांग कर रही हैं। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी ने चुप्पी साधी हुई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सहयोगी दल अपना दल एस के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि उनकी पार्टी तो हमेशा से ही जातीय जनगणना करने के पक्षधर रही है, इस मामले को सड़क से लेकर संसद तक हम उठाते रहे हैं। वहीं सुभाषपा यानी कि जो राजभर साहब की पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण राजभर कहते हैं कि उनकी पार्टी का तो गठन ही इस मुद्दे की लड़ाई को लेकर हुआ है और उनकी पार्टी विधानसभा में भी इस मुद्दे को कई बार उठा चुकी है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह का कहना है कि आरक्षण सरकार की लाभकारी नीतियों का फायदा वंचित लोगों तक सभी पहुँचेगा जब जातिगत जनगणना होगी, इसलिए हर राज्य में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इस मामले पर कांग्रेस के नेता जो पवन खेड़ा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी की। वो कह रहे हैं कि जब से बिहार के जातिगत मतगणना वाले आंकड़े सामने आए हैं तब से पूरे देश के अंदर जाति जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है और इसी मांग ने प्रधानमंत्री मोदी की नींद उड़ा दी है। इसके साथ ही पवन खेड़ा साहब ने पोस्ट में लिखा है कि जब पाठ्यक्रम के बाहर का कोई सवाल खड़ा हो जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी के पाठ्यक्रम का एक अंग जो है, एक भाला, वो बाहर आता है। और वो भाला ये होता है, यानी कि जो अस्त्र होता है उनका, वो होता है कि लोगों को मुद्दों से ध्यान बटाने का। पवन खेड़ा ये भी कह रहे हैं कि आज सुबह से ही न्यूज़ क्लिक के जो पत्रकार हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई इसी का हिस्सा है कि ताकि जो जातिगत जनगणना वाली बात चली थी उस पर लोगों का ध्यान ना जाए। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार को मीडिया आउटलेट न्यूज़ क्लिक और उसके पत्रकारों पर छापेमारी की, उनके कैंपसों में गए और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। तो ये तो वो बातें थी जो जनता की थी, देश की थी, राजनीति की थी। अब एक बात वो जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, विधि आयोग की तरफ से केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बाल विवाह की जद में 6.8% लड़कियाँ 15 से 19 साल की उम्र में माँ बन जाती हैं और लगभग 27% लड़कियों की शादी बचपन में हो रही है। न केवल बचपन में शादी चिंता की बात है बल्कि इनमें से ज़्यादातर किशोर अवस्था में ही माँ बन जाती हैं। उस वक्त वे ना तो शारीरिक रूप से और ना मानसिक रूप से माँ बनने के लिए तैयार होती हैं।
आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि चिंता का विषय है। आयोग ने भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के यूनिसेफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि दुनिया भर में होने वाले हर तीसरे बाल विवाह में से एक बाल विवाह भारत में होता है, यानी कि 33% बाल विवाह भारत के हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बाल विवाह निषेध कानून 2006 बनने के बाद से बाल विवाह को खत्म करने में कामयाबी तो मिली। जहां पहले 47% बाल विवाह होते थे, अब यह आंकड़ा लगभग 30-32% है। तो ये बात थोड़ी अच्छी तो है, लेकिन ये समस्या अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इस समस्या के खत्म होने के लिए कहा गया है कि अच्छा खाना नहीं बनाने पर या किसी बात पर बहस करने या यौन संबंध बनाने से इनकार करने पर पुरुष के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी पत्नी की पिटाई को सही ठहराते हैं। देश भर में 35% महिलाएं और 41% पुरुष पत्नी की पिटाई को सही मानते हैं। वहीं NCERB के आंकड़ों के मुताबिक इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत दर्ज लगभग 97% मामलों में अपराधी पीड़िता का कोई ना कोई परिचित होता है या अपना होता है। अक्सर परिवार के सदस्य या करीबी लोग रिश्तेदारी में या जान पहचान में बच्चों के साथ यौन शोषण करते हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में हवाला दिया गया है कि देश में 2030 तक बाल विवाह को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर ऐसा होता है, यानी कि बाल विवाह जो खत्म करने का लक्ष्य है ये संभव होता है, ये सफल होता है, तो ये अच्छे समय की शुरुआत होगी। और इस अच्छी खबर के साथ ही, यानी कि अगर बाल विवाह की प्रथा जो कुप्रथा है हमारे देश से खत्म होती है, तो ये एक अच्छी खबर है और देश के लिए अच्छी बात है। और इस अच्छी खबर के साथ ही आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे कुछ उन मुद्दों के साथ, कुछ उन खबरों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें। शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।